हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले, चाहे आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, उनमें से कुछ इनमें फैक्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और साथ में मेरे लिखते भी जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या रहा, आपका 82nd, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना बच्चों, खाली सुनना नहीं। 82nd जो है आपकी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ठीक है, 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है वो कहां पर आपकी ऑर्गेनाइज की गई। तो पर्टिकुलर नंबर आपके पीसी से पूछ लेता है कि 82nd जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है वो कहां पर आपकी हुई, तो ये आपकी हुई तेलंगाना में, ठीक है, किस स्टेट में आपकी हुई, तेलंगाना में हुई। तेलंगाना में अगर हम बात करें किस जगह पर, तो आपकी तेलंगाना में काकतीया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, काकतीया यूनिवर्सिटी, ठीक, काकतीया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ये जो आपका इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, अगर ये पूछ ले तो इट वॉज स्टैब्लिश इन 1935, ये ईयर याद रखना, एट कहाँ पर आपका हुआ था, बात करें तो आपके पुणे में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड है आपका स्वामित्व स्कीम, ये भी न्यूज में आपकी रही, स्वामित्व हिंदी का वर्ड है लेकिन इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है, स्वामित्व आपका स्कीम, ठीक, स्वामित्व स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में अगर हम कुछ बात करें, कुछ फैक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहला क्या याद रखना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है या किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, तो लिख दो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने इसको लॉन्च किया, ठीक। दूसरा फैक्ट क्या है इसके बारे में कि अंडर दिस स्वामित्व स्कीम क्या इशू किए जाएंगे या इशू किए गए हैं, प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड्स, इसको लिख लो, प्रॉपर्टी कार्ड्स, ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड्स या आपका टाइटल डीड्स, जो फार्मर के नाम की प्रॉपर्टी है उसका कार्ड इशू किया गया, उनको दिया गया बकायदा, और या टाइटल डीड इशू की गई है, ठीक है। और ये बकायदा जो इसकी मैपिंग की गई है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मैपिंग की गई है, ज्योग्राफिकल, इसको वर्ड लिख लो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू क्या की गई है, इसकी आपकी मैपिंग की गई है, ठीक। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो भी आपके फार्मर्स हैं जिनकी अपनी खुद की लैंड है, जब उनको प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड्स मिलेंगे अंडर द स्वामित्व स्कीम, तो जब वो किसी भी बैंक में जाएंगे किसी लोन के लिए या कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें ये प्रूफ करना है कि वो पर्टिकुलर लैंड जो है वो आपकी लैंड है, तो ये प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड दिखा के, जो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत परेशानी होती थी, एनओसी लेने में बहुत परेशानी होती थी, वो अब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अगला एक लिखेंगे आप लोग, आपका क्या, हाथी कम्युनिटी या हाथी कम्युनिटी, ठीक है, HATTI, हाथी या हाथी या हाथी कम्युनिटी, ठीक है। अब ये क्यों न्यूज़ में रहा भाई, आपकी ये जो कम्युनिटी है आपकी न्यूज़ में क्यों रही, सबसे पहले ये जो कम्युनिटी है ये हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश जो है बच्चों आपका कब बना था, 1971 में आपका बना था, ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा ये कि इस कम्युनिटी को अभी क्या मिला है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है, दिस कम्युनिटी गॉट दी स्टेटस ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इन 2024, ठीक, इस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का क्या मिला है, आपका स्टेटस मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये अगर इसको हम लोग किससे लिंकअप करें, पॉलिटी के एक फैक्ट से लिंकअप करें, क्या कि अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एनी यू कैन से ट्राइब सॉरी कास्ट एज अ शेड्यूल ट्राइब या एनी कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड कम्युनिटी, तो आपने टिक करके आना है आर्टिकल 342 पैरा 1, ठीक है। तो आर्टिकल 342 पैरा 1 गिव पावर टू द प्रेसिडेंट
टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, अब ये क्या हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब आपकी हो गई, तो डिक्लेयर कर दिया, तो उसको क्या मिलेगा, सेंटर आपका हो गया या स्टेट के जो जॉब्स निकलते हैं उनमें उनको क्या मिलेगा, जो रिजर्वेशन होता है वो मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन होता है वो मिलेगा। यहीं से पॉलिटी का एक और फैक्ट पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में इनको लेके हमारे किस शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो है वो हमारे कितने हैं, 12 है, ठीक है, और ओरिजिनल जो है कितने शेड्यूल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 8 शेड्यूल थे जब हमने 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आज के कंडीशन में हमारे 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो आपका शेड्यूल 5, ठीक है, याद रखना, और शेड्यूल 6, ये दो आपके शेड्यूल हैं जो किसको लेके डील करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को लेकर डील करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका लिखिएगा वी आर काम्बोज। ठीक है, वी आर काम्बोज। अब ये वी आर काम्बोज न्यूज में क्यों रहे, तो उसके आगे एरो बना के लिख दो, ही रिसीव्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023। MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन अवार्ड 2023। ठीक है, अब एक तो ये हमारा पार्ट हो गया। दूसरा, यहां MS स्वामीनाथन जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दो नाम हमेशा याद रखने हैं जब भी हमें MS स्वामीनाथन आएंगे, एक क्या, डॉक्टर आपका नॉर्मन, मैं शॉर्ट में N लिख रहा हूं, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और आपके हमारे MS स्वामीनाथन जी, दोनों ने मिलके क्या इंट्रोड्यूस किया था, ईयर तो लिखा होता है 1960s, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप जाएं ढूंढें तो 1965-66 लिखा मिलेगा आपको, बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या था, टू इंक्रीज द व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, स्पेशली व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो ये आपका 65-66 कई बुक्स में लिखा हुआ है या 60s में लिखा हुआ है, जो आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, और पर्टिकुलर इस ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो किसको दिया गया था, किस फूड क्रॉप को, तो वीट को जो है सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था, और वीट के बाद जो है वो आपका राइस को सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हमारे यहाँ दिया गया था। बट इसके कुछ लूप होल्स भी हम लोग को पढ़ने होते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन, या कह सकते हो कि पर्टिकुलर एक वर्ड अगर यूज करें, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के लूप होल्स क्या क्या मिलते हैं आपको, तो भाई लूप होल मिलते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर का जो यूज है वो बढ़ गया आपका, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो किसानों ने यूज करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से केमिकल यूज करने की वजह से जो सॉइल का pH वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो उसकी फर्टिलिटी है साल दर साल जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलिए एक और चीज देते हैं, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, रशिया बिकम्स द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, BRICS बिकम्स द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स इन 2024। अब यहां पे ब्रिक्स मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ग्रुप है किसका, ब्राजील हो गया आपका, रशिया हो गया, हम इंडिया हो गए, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो पहले जो है ये सिर्फ क्या हुआ करता था, ब्रिक हुआ करता था इनिशियल स्टेज में, जब ये बना था साउथ अफ्रीका ने इसको बाद में ज्वाइन किया। ठीक है, तो कह सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर के तौर पे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना था। ठीक है, और कई बार आता है कि ब्रिक्स का फर्स्ट सबमिट, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स का जो है फर्स्ट सबमिट जो है वो कहां पर आपका हुआ, तो आपने टिक करना है याकट रिंग बर्ग। ठीक है, वहां पर इसका फर्स्ट सबमिट हुआ था। और अगर बात की जाए कि अभी हाल में ब्रिक्स के, फिर से ऐसे जोड़ लेते हैं हम लोग, ब्रिक्स के कौन कौन से नए मेंबर्स बने हैं, ठीक है,
न्यू मेंबर्स और लिस्ट ऑफ न्यू मेंबर्स विच या न्यू कंट्रीज विच ज्वाइन द ब्रिक्स, तो भाई जो नई कंट्री है वो कौन कौन सी, इसको लिख लो। सबसे पहले आपकी क्या हो गई, ईरान ने ज्वाइन किया है, उसके बाद आपकी इजिप्ट, उसने ज्वाइन किया है, उसके बाद आपका इथोपिया, ठीक है, इथोपिया ने ज्वाइन किया है, और उसके बाद आपका यूएई, ठीक है, उसने ज्वाइन किया, दे ऑर्गेनाइज और दे ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। अब अगर क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को तो वो किस इस तरीके से बना देगा कि 2024 में इन चारों में से आउट ऑफ दीज फोर किस कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया। तो तीन आपके ऑप्शंस दे देंगे, क्या ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, एक कोई और दे देंगे कंट्री, जबकि वो कंट्री चौथी क्या होगी, यूएई होनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चंस होते हैं उसका क्या होता है, डिजाइनिंग जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन की जाती है। तो अभी तक अगर आप इस चैनल वीडियो तक बने हुए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए।